के राष्ट्रपति पुतिन के साथ पीएम मोदी का ये वीडियो औपचारिक मुलाकात से पहले का है। प्राइवेट डिनर पर दोनों देशों के नेता मॉस्को में मिले। इस मीटिंग के दौरान पीएम मोदी रूसी सेना में काम कर रहे भारतीयों की वतन वापसी का मुद्दा उठा चुके थे। अब खबर है, राष्ट्रपति पुतिन ने पीएम मोदी की मांग मान ली है। कल की प्राइवेट डिनर मीटिंग में हुई इस बातचीत के बाद आज पीएम मोदी मॉस्को में अज्ञात सैनिकों की समाधि पर गए। यहां उन्होंने शहीदों की समाधि पर माल्यार्पण किया। असल में पिछले महीने रूस से एक वीडियो सामने आया। इस वीडियो में रूसी सेना की वर्दी पहने कुछ भारतीय युवक मदद की गुहार लगाते दिखे थे। भारत सरकार से हमारी आज जोड़ के निवेदन है कि हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकाल दिया जाए और हमारे जैसे भारतीय भाई यहाँ पर और भी पशु हैं। इलियास हुसैन उन्हीं में से एक है जिसने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया के जरिए भारत सरकार तक अपनी बात पहुँचाई। क्या है, हमको कुछ पता नहीं है, पता ना पता वो कौन सी जगह पे, कुछ न्यूज नहीं है। अभी हम लोग को फिर इधर से किधर लेके जाएंगे हम लोग को वो भी नहीं मालूम है। और ये लोग इतना होने के बाद भी हम लोग को बोल रहे हैं, एजेंट लोग को हम लोग को आर्मी में डाला है। हुआ ये कि हेल्पर की नौकरी का झूठा वादा करके इलियास जैसे दर्जनों भारतीय युवकों को रूसी सेना में भर्ती करा दिया गया और यूक्रेन की लड़ाई में भेज दिया गया। वीडियो वायरल होने के बाद इनके परिवार वालों को एबीपी न्यूज के रिपोर्टर बिलाल अहमद ने खोज निकाला और फिर सरकार तक इनकी बात पहुँचाई। क्या है, वो पूरे जान की बाजी लगाकर वहाँ पे तकलीफ सह रहे हैं हमारे बच्चे। हमारे बच्चों के लिए क्या है, बहुत तकलीफ है समझो। हम सरकार से भी अपील किए थे, हमारी सरकार हमारे को क्या रिस्पांस की है, हमारे लिए एक वर्क कर रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री साहब और फॉरेन मिनिस्टर साहब, हमारे बच्चों के लिए कोशिश कर रहे हैं, हम उनसे धन्यवाद करते हैं। इसी तरह किसी का बेटा रूस में फंसा है तो किसी का भाई, जिन्हें नौकरी के झांसे में फंसा कर युद्ध के अखाड़े में भेज दिया गया। रशिया का वीजा लगाए थे बाबा के ऑफिस पे जाके, तो उसने बताया था कि इन लोगों को तुमको रशिया में जॉब रहेगी, बट तुमको ना कोई वॉर फ्रंट पे जाना है, ना तुमको जंग के मैदान में जाना है, ना तुमको वेपन चलानी है, ना तुमको ग्रेनेड चलानी है, कुछ नहीं करना है। बस तुमको सिर्फ किचन का काम दिया जाएगा। ले जाने के बाद क्या करे, पहले 200 किलोमीटर दूर लेके गए पहले कैंप में, उसके बाद फिर 500 किलोमीटर दूर लेके गए, फिर ऐसा करते करते 1500 किलोमीटर दूर लेके गया कि यूक्रेन में। अभी तक हम आज 6 मंथ हो चुका है, हम अभी तक इतनी कोशिश कर रहे हैं, हम सरकार के पास अपील लेके जा रहे हैं और हमको हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर साहब से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हर बार, अभी 6 मंथ हो चुका है, वो भी इससे पहले भी स्टेटमेंट दे चुके थे, जो इंडियंस वहाँ पे फंसे हुए हैं उनको हम रिलीज करने की पूरी कोशिश हम लगा रहे हैं। भारत के रहने वाले इलियास जैसे युवक दुबई की कंसल्टेंसी के फेर में फंस कर युद्ध के मोर्चे पर पहुँच गए और फिर इन परिवार वालों की बात एबीपी न्यूज के जरिए सरकार तक पहुँची। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक करीब 30 से 40 भारतीय रूसी सेना में अपनी सेवा इस वक्त दे रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी की पहल के बाद अब इन युवकों की वतन वापसी की उम्मीद बंधी है। मैं अकेला नहीं आया हूं, मैं मेरे साथ बहुत कुछ लेकर के आया हूं। मैं अपने साथ हिंदुस्तान की मिट्टी की महक लेकर के आया हूं। मैं अपने साथ 140 करोड़ देशवासियों का प्यार लेकर के आया।